हेलो फ्रेंड्स, हम लोग नीट 2022 में जो सऊदी अरब वगैरह में जो एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर का अपन लोग रिव्यू कर रहे हैं। उस पेपर इंडियन नीट से हार्ड था या लो था, दोनों के पेपर अलग अलग थे क्योंकि थोड़ा टाइम गैप हो रहा था। और वहाँ आपको पता ही है इंडियन गवर्नमेंट इतना रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि वहाँ अगर पेपर किसी ने आउट कर दिया तो पूरे इंडिया में पेपर आउट हो जाएगा। वहाँ तो बहुत कम कैंडिडेट होते हैं, लेकिन इंडिया में बहुत 18.5 मतलब 10-12 हज़ार कैंडिडेट वहाँ थे सिर्फ सऊदी अरेबिया में और कतर वगैरह में, ठीक है। लेकिन इंडिया में बहुत सारे कैंडिडेट थे तो वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए पेपर यहाँ का अलग कंडक्ट करवाया गया और वहाँ का अलग कंडक्ट करवाया गया, 1 से लेकर के 35 में। अब ये पेपर देख लीजिए, किसी दोस्त का है तो ये धूर वगैरह के मतलब पेपर्स देख ले हो ना आप, इंडिया से ही प्रिंट होके गया है। U6 इसका कोड है और उन्होंने मुझे PDF बना के सेंड किया है। अगला है इन फोटो इलेक्ट्रिक, मतलब ये इजी क्वेश्चन था, देखिए आप वो दिख भी रहा होगा, एक इजी कैटेगरी में आता है ये क्वेश्चन, आसानी से विबग्योर से हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन अपन लोग एलन के मॉड्यूल वगैरह में करते रहते हैं, मतलब वहीं से उठाया गया, ठीक है। ग्रीन लाइट से नहीं हो रहा है तो ग्रीन से नहीं हो रहा है तो उससे ज़्यादा वेवलेंथ वाला ले लो भाई। यही होता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ, जिससे ज़्यादा पे फोटो इलेक्ट्रिक नहीं हो सकता उससे कम वाला लेना है, मतलब है ना। तो वॉयलेट, इंडिगो या ब्लू में से ले लो, तो वॉयलेट इसने बंदे ने सही आंसर किया है। ईजी क्वेश्चन किया हुआ। आइसोथर्मल प्रोसेस है, हीट कैपेसिटी आइसोथर्मल है तो यहाँ ΔT 0 रख दोगे तो इन्फाइनाइट आ जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन था, मतलब कि और इसमें भी फिजिक्स में असरसन रीजन आ गया है, स्टैंडिंग ये सडनली एक्सलरेट होती है बस वगैरह। लेकिन क्वेश्चन तो ठीक है ना, क्वेश्चन इजी है, लेकिन क्वेश्चन इजी है लेकिन असरसन रीजन की वजह से मॉडरेट बोल सकते हैं। फिर ये यहाँ पे इंडक्टेंस का पूछ लिया गया है, इंडक्टेंस जो होता है एम, उसका डायमेंशन पूछ लिया गया है। लॉजिक गेट भी इजी है, सारे क्वेश्चन इजी हैं, मतलब ठीक है। फोकल लेंथ का क्वेश्चन आपने भी आया था, लॉजिक गेट भी आया था, इंडक्टेंस वाला आपने भी आया था, मतलब कुछ क्वेश्चन सिमिलर है थोड़ा थोड़ा। तो फिर देखोगे आप ये फिर से सिंपल इजी क्वेश्चन आ गया और ये भी इजी क्वेश्चन है। ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया इन्होंने। और अगला क्वेश्चन देख रहे हो आप, इजी क्वेश्चन है ये भी, ये थोड़ा सा मॉडरेट बोल सकते हो, सिंपल मॉडरेट, हार्ड और ना इजी। ये देख लीजिए आसान क्वेश्चन फिर से, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है सर्किट का, कितना इजी है, दो और इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, इसके साथ इसको ऐड करो, फिर इसको ऐड करो और आंसर निकाल लो। और ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, मतलब क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है ना बहुत कम लोग पढ़ते हैं, पढ़ते ही नहीं ना, सीधी सी बात है। ये मॉडरेट क्वेश्चन है क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो भी है मॉडरेट मानेंगे फिजिक्स में। आई वर्सेस वी एंड कंडक्टर इजी क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा इजी है ये, पता नहीं इसने क्या ड्रॉ किया है। ये विंस के लॉ पे क्वेश्चन था, इजी। और सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन, मतलब सारे इजी क्वेश्चन थे, जैसे अपना इंडियन वाला था ना वैसे। ये करंट कैरिंग वाला वो पूछ लिया, ये भी इजी है। और मतलब सारे क्वेश्चन इजी आप देखते जा रहे होंगे ना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो PDF ले लेना मेरे से, ठीक है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। कितना इजी यार, देखो सब कुछ एकदम बिल्कुल इजी सा पेपर आया था वहाँ पर भी। ये देखिए आप क्वेश्चन सारे देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। रेडियो एक्टिविटी वाला और ये सरफेस केमिस्ट्री, अगर आप 2023 की प्रिपरेशन कर दो ना तो ये पेपर भी एक बार लगा लेना आप उसके साथ। टॉपिक सारे सेम थे, ये बड़ी बात है। केमिस्ट्री देखिए, अब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है, तो सिंपल से सबसे ज़्यादा होता है उसका, उससे सबसे ज़्यादा होता है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो सबसे ज़्यादा 341 इसी का होगा, बी का 4 आंसर निकल गया सीधा। बाकी देखिए ना, KTG से क्वेश्चन है, ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, इसको भी अपन इस पूरे पेपर को अपन इजी बोल सकते हैं क्योंकि कुछ हार्ड इसमें है ही नहीं। मैच ऑफ द फॉलोइंग आ गया, पॉलीमर में मैच ऑफ द फॉलोइंग दे दिया,
केएसपी का क्वेश्चन इसमें डाल दिया है, ये रेडियस को कंपेयर करना आसान आसान से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन, और मैंने ट्रिक में बताया भी था, मैंने कहा आएगा एग्जाम में क्वेश्चन और मेरा मैंने वो शॉर्ट्स वीडियो बनाया था, काफ़ी वायरल भी हुआ था, बट अपने नीट में ना पूछ करके सऊदी अरेबिया में पूछ लिया उन्होंने। ये भी इजी, मतलब अच्छा क्वेश्चन पेपर था, मॉडरेट था। बायो देखते हैं ना, केमिस्ट्री देखो, केमिस्ट्री और फिजिक्स ईजी है दोनों, असन रीजन की वजह से थोड़ा हार्ड हो सकता है। पीडीएफ लेकर के आप मेरे से देख लेना। यहाँ तक तो सब कुछ इजी लग रहा है, बायो में भी यहाँ असन रीजन दे दिया, सेलुलोज पॉलीमरिक पॉलीसेक्राइड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेलुलोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे आपको वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखने को मिला है एक, ये वाला भी कितने सही हैं कितने गलत हैं। और आपको पता है इस पेपर को मैंने देखा है, यहाँ पर भी तीन क्वेश्चन जो हैं बोनस टाइप के हैं इसमें भी, और अगर कोई सऊदी अरेबिया से वीडियो देख रहा है तो उनको पता ही होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन बोनस हो रहे हैं। तो एन इक्वल्स टू एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर आर टी, ईजी ईजी क्वेश्चन है, देखो कोई सब उठा के बीच में से करवा लो मेरे से, मैं कर लेता हूँ। और जेड क्या है, जेड है रिग्रेशन कोफिशिएंट या स्लोप ऑफ लाइन, देखो मैं कर ले रहा हूँ क्वेश्चन। बाप रे, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया इन्होंने, ये थोड़ा हार्ड पूछ सकते हैं, हार्ड पूछ सकते, बट सेक्शन बी में है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने भी तो आया था एप्पल वाला क्वेश्चन, सेक्शन बी में क्या ही फर्क पड़ता है, लगातार दो यार वो सेक्शन बी में है। ओजोन की थिकनेस डॉप्सन यूनिट में, मतलब आसानी से कर सकता था बंदा पेपर, इंडिया वाले जितना हार्ड नहीं था बायो, मतलब ऑल ओवर उनको ज़्यादा। एंडेमिक का मतलब रेफर क्या होता है, पर्टिकुलर एरिया में जो मिल रही है। ब्लू रिवोल्यूशन फिशरी से, मतलब एलन का जैसे पेपर होता था टेस्ट वाला, वैसा पेपर दे दिया इन लोगों ने। आईओडीज वगैरह के ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ना, ये गलत करवा देते कभी कभी क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चन को अच्छा मान सकते हैं। ये अपने पहले आया हुआ नीट में क्वेश्चन है, देख रहे हो ना आप, देख रहे हो ना विनोद कितना हाँ ईजी दे दिया उनको पेपर। तो आप ये पीडीएफ लेकर के देख लेना, और जो 2023 वाले हैं वो इसको एक बार सॉल्व करना भाई, तभी आपको पता लगेगा कि क्या हालत है पेपर की। बाकी मेरी तरफ से तो लास्ट वाला क्वेश्चन 25 न्यूमेरिकल भी अपने भी आया था, उन्होंने भी आया था, 25 बेस पेयर हैं कितने टर्न होंगे। अब देखो एक 10 एक बेस एक मतलब टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, तो 25 में कितने होंगे, 2.5 होंगे। आसान क्वेश्चन ये, जंक्शन वाला पहले क्वेश्चन आ चुका 2016 में आपने भी। ये देखिए रेप्लिकेशन डीएनए वाला कितनी कॉपी बनेगी, वो भी अपने आ चुका है, मिसेलसन और स्टाल वाला, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया में पेपर आता है बाई लैंग्वेज, जिसमें सिर्फ हिंदी और इंग्लिश होता है, ऐसा उर्दू या फिर बंगाली ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको वो उर्दू अगर बंगाली लेना है तो फिर इंडिया से पेपर फिल करना पड़ेगा, मतलब हाँ वहाँ से फिल करना पड़ेगा कि इंडिया से देंगे हम लोग, ठीक है। तो और बाकी नीट एक अभी पता है एक और नीट होने वाला है, तो एक और पेपर आ जाएगा, तो इस साल तीन पेपर हो जाएंगे आपके पास में, ठीक है। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को।